अगर योग बल को धारण करेंगे, साइलेंस बल को धारण करेंगे, ज्ञान की गहराई में जावेंगे, तो पवित्र जरूर बनेंगे। इफ यू इम्बाइब द पावर ऑफ योग, इफ यू इम्बाइब द पावर ऑफ साइलेंस, इफ यू डाइव डीप इन टू द नॉलेज, देन यू विल सर्टेनली बिकम प्योर। ऋषि मुनि आदि भी सब शांति चाहते हैं, परंतु वो शांति का अर्थ नहीं समझते। वो समझते हैं कि घरवार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठ जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। Saints, sages, etc., everyone want peace, but they do not know the meaning of peace. They think that if they renounce the household and sit in the forests, they will get peace. बाप कहते हैं, तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो। शांति अपने ही गले का हार है। जब चाहो आत्म की स्थिति में कहीं भी बैठ जाओ। जंगल में भागने की दरकार नहीं है। फादर सेज, यू सोल्स आर ओनली द एपिटोम ऑफ पीस, शांति स्वरूप। पीस इज योर ओन नेकलेस। व्हेनेवर यू विश, यू शुड बी एबल टू सिट इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। देयर इज नो नीड टू रन टू द जंगल्स। इस सृष्टि पर जब तक ये शरीर है, तब तक कर्मेंद्रियों से पाठ जरूर बजाना है, लेकिन अभ्यास ऐसा डालना है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बुद्धि एक बाप में लगी रहे, जो शांति का दाता है, शांति देवा कहा जाता है। Until this body exists in this world, one has to certainly play a part through the bodily organs. But one must practice that while performing actions through the bodily organs, the intellect should be busy in one father, who is the giver of peace, Shanti Data. He is called Shanti Deva, deity of peace. So, is srishti par rehkar ke paath zarur bajana hai. कर्मेंद्रियों से कर्म जरूर करना पड़े। सो वन मस्ट सर्टेनली प्ले अ पार्ट व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। वन मस्ट सर्टेनली परफॉर्म एक्शंस थ्रू द बॉडीली ऑर्गन्स। शांति धाम तो होता है स्वीट साइलेंस होम। तो अभी आत्माओं को मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। The Shanti Dham, that is the abode of peace, is the sweet silence home. So now the souls know that our home is the soul world, Shanti Dham. जब तक इस संसार में है, इस संसार में इन आँखों से सारी दुनिया को देखते हैं। जहां जहां तक इन आंखों का पहुंच होती है, वहां सारी दुनिया में माया फैली हुई है। Until we are in this world we see the entire world through these eyes. As far as the eyes can see, it is an expanse of Maya in the entire world. 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया सब मायावी प्रभाव से बंधी हुई है। इनके संग के रंग में जब तक रहेंगे, तब तक शांति नहीं हो सकती। सदा काल की शांति महसूस नहीं हो सकती। The world consisting of 500 to 700 crore human beings is bound under the Mayavi influence, the illusive influence.
Until we are colored by their company, we cannot achieve peace. One cannot experience the everlasting peace. हम तो आए हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए. आत्मिक स्थिति संघ के रंग से बिगड़ जाती है, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं जो विपरीत धर्म का आचरण करने वाली है, देवान को बढ़ाने वाली है, उनके संघ का रंग हमको लगता रहता है. इसलिए हम लगातार शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते. We have come only to play a part in this world. The soul conscious stage gets spoiled under the influence of company, because the souls of other religions, which act in according to the opposite religion, which increase the body consciousness, we keep getting colored by their company. That is why we cannot experience Shanti Dham, abode of peace, continuously.